हेलो, राम राम भाई सभी को। राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। खतरनाक ही मिलेंगे भाई आज क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल के मिलने वाले हैं। बस एक बार शेयर कर दो, उसके बाद करते हैं शुरू। 2 मिनट का इंतजार है सिर्फ। राम राम भाई, कई दिन में दर्शन दिए तुझे? कई दिन तो नहीं हुए भाई। HSSC पी लियो होके जी। HSSC रजत, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, आप सभी का स्वागत है। अरे नहीं, क्वेश्चन बनाने में तो देखो 5 से 6 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन बनाने में 5 से 6 घंटे आपकी क्लास तैयार करने में लगते हैं, 5 to 6 आवर। बाट देखा जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। करें शुरू, एक बार लिखो फिर यस करें शुरू। बेसिक है भाई, बेसिक है। दिल से धन्यवाद गुरु जी आपको, जो आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो भाई। मेहनत तो आप लोग करते हो। अच्छा, दूसरी क्लास छोड़कर आए हो, कोई बात नहीं, कर देते हैं शुरू। ठीक, स्टार्टिंग है भाई, बिल्कुल 35 पे कर देना शुरू। कोई नहीं, क्वेश्चन 35 पे शुरू हो जाएंगे। बस अभी काम स्लाइड शुरू होगी मेरी तरफ से। स्लाइड जो है शुरू हो चुकी है मेरी तरफ से। ऑलराउंडर सभी को आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद। गुरु जी, कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई वैकेंसी है क्या? ऑपरेटर की वैकेंसी आ जाएगी भाई। अपने आंसर कॉपी में लिखें, बाद में मैच करें, लास्ट में अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो वीडियो बाद में देखते हो तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर जो है जरूर बताएं। ऋषभ आशीर्वाद भाई, ऋषभ आशीर्वाद आपको। पहला क्वेश्चन भाई, अच्छी सेकंड है कम से कम आपके पास। प्लेटफॉर्म किस चीज का बताना भाई? रियल अनबॉक्सिंग चैनल, इस नंबर पे जो मेरा स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इस नंबर पे संपर्क कर लेना। 7404076281, 7404076281। सेकंड नहीं, थर्ड आ गया भाई। बस अब टाइम खराब ना करो, अपना अपना ध्यान से पढ़ते रहो और करते रहो। मॉक टेस्ट का यही मतलब, अपने आप समझो समय की कीमत। कोई बात नहीं मिंटू भाई, कोई बात नहीं, आपकी हाजिरी लग गई।
दो टेस्ट इसी चैनल में है भाई। वैल्यू प्लस कैंपस 26/11, धन्यवाद सर जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्वेश्चन करो एक बार, बाकी बातें बाद में। दसवां क्वेश्चन है भाई, अमित धन्यवाद भाई। क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट शो नहीं हो रहा, एक बार ये क्लास हो जाने दो भाई, ये टेस्ट कंप्लीट हो जाने दो, मैं बताता हूँ फिर आपको सारी बातें। पंद्रवा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कहाँ भाई, सेम क्वेश्चन।
18वां क्वेश्चन है भाई, टोटल 25 क्वेश्चन आज 30 नहीं तैयार कर पाए, 25 ही रहेंगे, 18वां क्वेश्चन है ये। बीसवां क्वेश्चन आ गया भाई, बीसवां। इक्कीस, 21 नंबर क्वेश्चन है। बाईस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है भाई, भी ये कैसी क्लास है, मॉक टेस्ट है जी, मॉक टेस्ट है जी, मॉक टेस्ट। पीडीएफ जो है आपको इस टेस्ट की इस चैनल में जो दिखाई दे रहा है, और अभी जो है आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर तो क्या बोलें, करना ही है। जल्दी जल्दी अपने आंसर मैच करें जो आपने लिखे हुए हैं, बी रेडी टू मैच योर आंसर। पहले का आंसर है भाई, जी आइए।
सही चल रही है क्या? एक बार बताना, कुछ दिक्कत है क्या क्लास में? बफरिंग हो रही है क्या? कहाँ तक मैच कर लिया आपने, एक बार बताना। आपने मैच कहाँ तक कर लिया क्वेश्चन के आंसर? कोई बात नहीं, आपने कहाँ तक मैच कर लिया बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 तक आगे चलाएं? चलो राम राम भाई, राम राम। हेलो अरुण से, राम राम भाई। 9 में ऑप्शन चेंज हो गए सर। कोई नहीं, आंसर तो सही होगा, देख लेंगे। हो जाता है कई बार कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, के पीछे ऑप्शन आके पीछे करने में एक जो एक दो जगह रह जाता है, एक दो जगह हो जाता है। कोई नहीं, वो कर दूंगा सेट में। बड़ा टाइम लगता है भाई, क्या करें, 5 से 6 घंटे लगते हैं इस क्लास को तैयार करने, 25 क्वेश्चन को तैयार करने, 5 से 6 घंटे। नमस्कार भाई, यमुनानगर से। राम राम भाई। हाँ भाई, वो तो होगा ही, इंग्लिश हिंदी मिक्स करेंगे। दीपक टोहाना से नमस्कार भाई। छछरौली से सोनम रानी नमस्ते भाई। जी पेपर कभी भी हो भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, शेयर करना तो बनता है आपका, ठीक है ना। अभी आ जाओ एक्सप्लेनेशन की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाओ भाई। कैसे थे क्वेश्चन ये बता दो अब तब तक। एक 3 9 18 19 22 में प्रॉब्लम है।
इजी थे जी जी कसुत्ते थे जी। अब तो कुछ चलो देखते हैं। ये लो कोई बात नहीं। अब देखो एक्सप्लेनेशन देख लो इनकी। पार्ट ऑफ एएलयू दैट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है वो एएलयू का हिस्सा कौन सा है? तो आईआर क्या करता है? आईआर इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है आईआर। काउंटर क्या स्टोर करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन सेव करता है? पीसी। और एक्मुलेटर क्या करता है? इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट, इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट दोनों ही ये स्टोर करता है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा, क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? क्लॉक स्पीड जो किस में मापी जाती है? या तो मेगा हर्ज में मापी जाती है, गीगा हर्ज में, यानी कि जो क्लॉक स्पीड है वो हर्ज में मापी जाती है और प्रोसेसर की स्पीड जो हो वो फिर मेगा और गीगा में मापी जाएगी। ठीक है, फ्यू सेकंड में नहीं, माइक्रो हर्ज में नहीं, नैनो सेकंड में नहीं। ठीक है ना, आंसर ही तो बताने लग रहे भाई रवि, आंसर ही तो बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ईपी रोम एक्चुअली क्या करती है? ईपी रोम यूज करती है, क्या यूज करती है ईपी रोम? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये। अगले बनेगा ईईपीरोम, वो बनेगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अकेला ये वाला यूज करेगा, ये अकेला इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है यूज होती है इसके अंदर। कौन सी रेज? अल्ट्रावायलेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इसके अंदर यूज होंगे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड के अंदर। बोथ, दोनों के दोनों नहीं यूज होंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है ना, नेक्स्ट भाई। अच्छा लेवल था क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन ऐसा जो कदे पढ़े कौन था जी? जी फोर्थ क्वेश्चन है, द कैपेबिलिटी ऑफ मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी समवेयर बिटवीन दोज मेन फ्रेम एंड पर्सनल कंप्यूटर। मेन फ्रेम और पर्सनल कंप्यूटर के बीच की अगर बात करें तो फॉर रीजन माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर आर ऑफन कॉल्ड, मिनी कंप्यूटर उसके बीच का है तो उनको क्या कहा जाता है? मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है, ना पर्सनल कहा जाएगा ना माइक्रो कहा जाएगा क्योंकि है ही मिनी, और ना मेन फ्रेम कहा जाएगा क्योंकि मेन फ्रेम से तो कम है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कीबोर्ड लेआउट, हमने कहा था कीबोर्ड लेआउट है जो अगर आपको 102, 103, 104 मिल जाती है, ठीक है, नहीं तो 100 पे आप टिक कर देना। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने मतलब मैंने मॉनिटर वाली क्लास में से हैं, बिल्कुल सही बात है। विच स्पेशल कीबोर्ड की हैज पिक्चर ऑफ विंडो लोगो इन इट, विंडो लोगो कौन सी उस पे होती है? की पे होती है, स्टार्ट की पे, स्टार्ट की जो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट की होती है इस तरीके से, उस पे विंडो का लोगो होता है। शॉर्टकट की मेनू की को कहा जाता है, कई बार मेनू की को शॉर्टकट की कह देते हैं। मेनू की होती है अल्ट से इस साइड, अल्ट से इस साइड होती है मेनू की, तो कई बार उसको जो है अल्टरनेट शॉर्टकट की कह दिया जाता है, अल्टरनेट की नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन था, मोस्ट फुल साइज पीसी फीचर वन ऑफ दीज एज पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा यूज होता है ज्यादातर पीसी के अंदर? माउस यूज होता है। कौन सा यूज होता है? माउस। ठीक है ना, बाकी पॉइंटिंग डिवाइस ही नहीं है। प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है, डेटा एंट्री डिवाइस है, स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था डिक्रीज फॉन्ट साइज फॉर द सिलेक्टेड और इंसर्टेड टेक्स्ट। डिक्रीज करना है साइज, डिक्रीज डिक्रीज के लिए डिक्रीज वाला ही रहेगा, ध्यान रखना। इंक्रीज के लिए इंक्रीज वाला रहेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। ये दोनों कुछ भी नहीं है, वैसे बना रखे थे मैंने, ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई। नौवा क्वेश्चन, व्हेन यू प्रेस ए की, जब आप कोई भी की दबाते हो, डैश प्लेस ए कोड, खालिस्तान एक कोड को प्लेस करता है कीबोर्ड बफर के अंदर, टू इंडिकेट द की वॉज प्रेस्ड, की ये बताने के लिए कि की दबाई गई है। ये मैंने आपको कीबोर्ड वाली वीडियो में करवाया था कि कीबोर्ड कंट्रोलर ऐसा काम करता है। कौन ऐसा काम करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर ऐसा काम करता है, कीबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है ना। कीबोर्ड कंट्रोलर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। क्लियर बात भाई यहां तक? इसका कीबोर्ड इटसेल्फ नहीं आएगा, कीबोर्ड मेमोरी तो कीबोर्ड बफर ही हो गया, ठीक है। कई बार ये सोचो कि सर एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर यू कैन डैश ए प्रोग्राम आइकन टू लॉन्च द प्रोग्राम। आप खालिस्तान करोगे प्रोग्राम के आइकन को लॉन्च करने के लिए डबल क्लिक, माउस में डबल क्लिक करोगे। आप कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करना है तो पॉइंट टू नहीं करेंगे, राइट क्लिक नहीं करेंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, ठीक है। ड्रैग करेंगे तब जब घसीटना हो कोई ऑब्जेक्ट, जो सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो तो ड्रैग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन बेस्ड कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। पेन बेस्ड कंप्यूटर जो इस काम के लिए यूज किए जाते हैं, किस काम के लिए यूज किए जाते हैं भाई पेन बेस्ड? भाई रिकॉर्डिंग साउंड के लिए तो किए नहीं जाते। देख गुरुजी क्वेश्चन नंबर 10 में हिंदी में चेंज है, हिंदी में चेंज है नहीं, हिंदी में ठीक तो भाई एक ही बात है, ये भी यही है, ये भी यही है। देखो राइटिंग टेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखना हो जब कीबोर्ड का यूज करेंगे, पेन का यूज करेंगे ही नहीं। पिक्चर लेने के लिए भी पेन बेस्ड का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चा, एक डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन के लिए पेन बेस्ड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और वो किया जाता है जब जनगणना वगैरह करते हैं ना, आपने देखा होगा जनगणना वगैरह करेंगे जब टीचर आएंगे आपके घर पे, तो एक पेन टैब सी लिए होंगे हाथ में और पेन से वो डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे आपके घर का जो भी है डेटा रिकॉर्ड जो है वो लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गेम पैड यूजली हैव टू सेट, गेम पैड में दो सेट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको, तो वो क्या होते हैं? हर एक हैंड में होता है कंट्रोल, इस हाथ में भी कंट्रोल होगा और इस हाथ में भी कंट्रोल होगा, दोनों हाथों में कंट्रोल होगा, ठीक है ना। तो जॉयस्टिक नहीं होगा इच हैंड में, गेम नहीं होगा, माइक्रोफोन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट, स्कैन की वो टेक्स्ट को टेक्स्ट में, ऐसे टेक्स्ट में जिसको आप एडिट कर सकते हो, कौन बदलता है? OCR ही तो बदलता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कौन बदलता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कुछ भी नहीं है, ना ये है ना ये है, ठीक है। वैसे बना रखे थे बहुत सारे क्वेश्चन, दो ऐसे बना रखे, आंसर दो, ऑप्शन दो, सॉरी। द बैक ऑफ मॉनिटर स्क्रीन, मॉनिटर की स्क्रीन की जो बैक है वो कोट होती है, किस चीज से कोट होती है? मैंने आपको मॉनिटर की स्क्रीन कहा था कि इसके पीछे जो है डॉट होते हैं, छोटे 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 डॉट होते हैं, ठीक है। और जो केमिकल होता है ग्लो करता है, जो चमकते हैं ये छोटे छोटे डॉट, कब चमकते हैं? व्हेन दे आर स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन बीम, जब इलेक्ट्रॉन बीम उनके ऊपर फेंकी जाए तब वे चमकते हैं, ठीक है ना। तो चमकते हैं तो कौन चमकता है? फॉस्फोरस डॉट चमकते हैं, फॉस्फोरस डॉट जो है ये चमकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंक नहीं चमकती, मास्क नहीं चमकता, शैडो मास्क नहीं चमकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन जो है शूट करता है बीम को, किस, कौन सी बीम को शूट करता है? डॉट की बीम तो होती ही नहीं, करंट की बीम नहीं होती, मैग्नेट बीम नहीं होती, इलेक्ट्रॉन बीम को शूट करता है स्क्रीन के ऊपर, थ्रो करता है मैग्नेटिक कॉइल से, सॉरी मैग्नेटिक कोयल में से थ्रो करता है स्क्रीन के ऊपर, जो जो है मॉनिटर के फ्रंट पर निशाना बनाकर रखते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे हिंदी में दिया ही नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश में ही आ गया, हिंदी में नहीं था। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फॉस्फोरस डॉट, छोटे छोटे फॉस्फोरस डॉट जो गन होती है कैन फोकस ऑन इज कॉल्ड ए, वो क्या कहलाते हैं? पिक्सल कहलाते हैं, छोटे छोटे जो डॉट होते हैं मैंने आपको बताया था वो क्या कहलाते हैं? पिक्सल होते हैं, ठीक है ना। रेजोल्यूशन पिक्सल से मिलकर बना बनता है और डॉट हैं जो डॉट ही पिक्सल कहलाते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट वे,
इन ए कलर मॉनिटर ईच पिक्सल इंक्लूड थ्री फॉस्फोर्स डॉट रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन और ब्लू तीन डॉट होते हैं, किस वे में अरेंज होते हैं मैंने आपको बताया था, तीनों जो डॉट होते हैं वो ट्राइंगल में अरेंज होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं सॉरी ट्राइंगल में अरेंज होते हैं, ना डायमंड में ना सर्कल में ना रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। ए सीआरटी मॉनिटर कंटेन्स ए डैश विच इज ए फाइन मैश मेड ऑफ मेटल, मेटल से बना होता है, फिट होता है ऐसी शेप में साइज ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के साइज होता है उसके बिल्कुल पीछे फिट होता है, यूं का यूं इस तरीके से, कह रहा है कि मेटल का होता है। इसमें इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, शेडो मास्क, मैंने आपको बताया था स्क्रीन के बिल्कुल पीछे इसी तरीके से कवर करने के लिए एक मेटल से ढका होता है जिसके अंदर छेद होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकल कर आती है, उसको शेडो मास्क कहा जाता है, लाइटेड मास्क नहीं कहा जाता, इंटेंसिटी और अदर मॉनिटर नहीं कहा जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन में, ठीक है 19th क्वेश्चन में 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीडी मॉनिटर जो है वो इमेज को क्रिएट करता है स्पेशल काइंड ऑफ डैश दैट इज नॉर्मली ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं परंतु ओपेक हो जाते हैं जब चार्ज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो एलसीडी में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल, क्या होता है एलसीडी के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल, लाइट नहीं होती, गैस नहीं होता, गैस प्लाज्मा में होता है, गैस में किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। मैग्नेटिक कॉइल किस में होती है, सीआरटी में होती है, किस में होती है, सीआरटी में होती है, ठीक है। मोस्ट पैसीमेट्रिक स्क्रीन, भाई एलसीडी के अंदर पैसीमेट्रिक टेक्नोलॉजी कौन सी, पैसीमेट्रिक्स है जो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है, ये कह रहा है कि ट्वाइस एज ऑफन, पिक्सल जो है दो बार रिफ्रेश होते हैं, तो ड्यूल स्कैन एलसीडी जो है टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती है। टीएफटी इसमें यूज नहीं की जाती, टीएफटी एक्टिव मैट्रिक्स में यूज की जाती है, किसमें यूज की जाती है, एक्टिव मैट्रिक्स में यूज की जाती है, ठीक है ना। सिंगल एलसीडी होती नहीं, सीआरटी एक मॉनिटर का टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले यूज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, अभी ये आ गया दोबारा से, एक्टिव मैट्रिक्स जो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज करता है। अब ये पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर जो एक पिक्सल पे कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक पिक्सल पे चार ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है ना, एक पिक्सल पे चार ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है इस फॉर्म में, वही जो स्क्रीन होती है ये इस फॉर्म में मैट्रिक्स होती है। आप वीडियो देखो मेरी पुरानी वीडियो, वो सभी उसमें सारी चीजें बता रखी है, मिस्टर बेनिफिशियल वीडियो, आप एक बार वीडियो देखो उसमें बता रखा है सारा कुछ। एलसीडी वर्जन ऑफ पेपर वाइट डिस्प्ले इज कॉल्ड, एलसीडी वर्जन जो है पेपर वाइट डिस्प्ले का वो पेज वाइट डिस्प्ले भी कहलाता है, पेज वाइट डिस्प्ले। इसको डॉक्यूमेंट डिजाइनर यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डिजाइनर इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। सीआरटी डिस्प्ले नहीं होता, सीआरटी तो एलसीडी से अलग है और डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कुछ में नहीं होता, क्लियर है बात। नेक्स्ट वे प्लाज्मा डिस्प्ले आर क्रिएटेड बाय सैंडविचिंग, सैंडविच क्या होता है, सैंडविच इस तरीके से बॉक्स के बीच में कोई चीज आ जाए, स्पेशल ग्लास, स्पेशल गैस होती है, सॉरी कौन सी गैस होती है, नियोन और एक्सिनन गैस होती है, दोनों ही गैस होती है, एलपीजी और सीएनजी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो बोथ ए एंड बी नहीं आएगा और नॉन ऑफ दीज का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है भाई। कब बात करेंगे, एक बार लास्ट क्वेश्चन पढ़ लें। एक्चुअल रेजोल्यूशन जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं किसके द्वारा, वीडियो कंट्रोलर के द्वारा। अगर इमेज पूछता, अगर इमेज पूछता, इमेज को कंट्रोल या डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, तो वीडियो कंट्रोलर और मॉनिटर दोनों आ जाते हैं, लेकिन इसने पूछा रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन वीडियो कंट्रोलर ही एक्चुअल में डिटरमाइन करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, रिफ्रेश रेट को मेजर किया जाता है किस में मेजर किया जाता है, रिफ्रेश रेट को हर्ज में मेजर किया जाता है। मैंने आपको कहा कि हर्ज को और क्या कहा जाता है, साइकिल पर सेकेंड कहा जाता है, हर्ज को और क्या कहा जाता है, साइकिल पर सेकेंड भी कहा जाता है, क्लियर बात। तो ये 25 क्वेश्चन थे भाई आज के, टोटल 25 क्वेश्चन थे। लाइक और शेयर कर देना आप, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। ये मॉक टेस्ट था, आप पूछ रहे थे बीच में एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, ये कैसी वीडियो है, ये मॉक टेस्ट होता है और लास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे, क्वेश्चन भी अच्छे थे, सिर्फ और सिर्फ HSSC बेस्ड थे, SSC का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यहाँ, HSSC के क्वेश्चन मिलेंगे लगभग हर रोज, अलग क्वेश्चन मिलेंगे और जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इंग्लिश और हिंदी चेक कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट होता है तो आप बता दिया करो।
एक ही ठीक है बस, ऐसे कैसे हो गया भाई, एक ही ठीक है ऐसे कैसे। ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में इंग्लिश और हिंदी देखो भाई, एक सेम ही है। 13 वाला भी चेक कर लेते हैं। 13 वाला भी चेक कर लेंगे, देखो सेम है भाई, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। ऑप्शन अलग अलग होंगे, ऑप्शन ये चेंज करना भूल गया मैं। कीबोर्ड नियंत्रक जो है ये सी पर आएगा, ये सी पर आना था और कीबोर्ड इटसेल्फ यहां पर आना था। हाँ ऑप्शन ऊपर नीचे है, ये जब मैं सेट कर रहा था, देखो ऐसा है मैं ये जो क्वेश्चन आपके बनाता हूँ ये कहीं से उठा के तो यूं का यूं लेकर नहीं आता। क्या हुआ 25 में से 2 क्वेश्चन कहीं से इधर उधर से उठा लेता हूँ, अदरवाइज मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, पहले बनाता हूँ क्वेश्चन फिर उनके ऑप्शन बनाता हूँ, फिर ऑप्शन देखता हूँ कि कई बार जो ऑप्शन होते हैं 3-4 क्वेश्चन के सी सी ऑप्शन हो जाते हैं, फिर उनको आगे पीछे करता हूँ, फिर वो कई बार हिंदी में रह जाते हैं इंग्लिश में कर देता हूँ, तो इसीलिए दिक्कत आती है। इसीलिए 5 से 6 घंटे क्लास को तैयार करने में लगते हैं, अदरवाइज 5-6 घंटे की क्लास थोड़े होती है। इंटरनेट से क्वेश्चन उठाओ चिपका दो और व्यू बटोर लो, लेकिन हमने वो काम नहीं करना। HSSC बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए भी पसीने आएंगे और उनको करने के लिए भी पसीने आएंगे। PDF जरूर मिलेगी, PDF जो है आंसर नहीं मिलेंगे PDF के अंदर, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। 13वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं भाई चेक, कह रहे हो तो अच्छा। हाँ 13वें नंबर क्वेश्चन में हिंदी वाला ये पुराने वाला चिपकाया गया, रहेगी दिक्कत। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जो बाद में देखते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही था, अगला मॉक टेस्ट कब होगा टेलीग्राम चैनल में ही बताऊंगा, ध्यान रखना कल नहीं है, कल संडे है, कल क्लास भी ज्यादा है, मेरी ऑफलाइन क्लास ज्यादा है, कल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन कल जो आपके डाउटेड की वीडियो है, डाउट की वीडियो वो आपको जरूर मिलेंगी कल या परसों दोपहर तक शाम तक। ठीक है, जय हिंद सभी को भाई, गुड नाइट।